हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं इस चैनल पर अभी आपको मोमोज़ के बारे में बता रहा हूँ कि मोमोज़ की किस तरह से आप मोमोज़ बना सकते हो और अपना कोई फूड स्टॉल स्टार्ट कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो। तो फूड स्टॉल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको काफ़ी चीज़ें जो बताई हैं मोमोज़ बनाना कि किस तरह के हम मसाले बनाते हैं पनीर के गोभी के, वो चीज़ मैंने अभी तक आपको वीडियोज़ बनाई है। जिसने वो वीडियोज़ नहीं देखे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। लेकिन ऐसे जो सबसे बड़ा इशू आता है वो ये आता है कि अगर हम शुरू करना चाहते हैं लेकिन हमने कभी मोमोज बनाए नहीं है तो एक तो हमें शेप बनानी नहीं आती, और जो कि इजी भी नहीं है। देखने से हमें कई बार लगता है कि ये बहुत इजी है लेकिन इजी नहीं होती। बहुत प्रैक्टिस करने के बाद, कई दिन की मतलब मेहनत करने के बाद कोई ये शेप बनाना सीख पाता है। अब हम कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सीखना चाहते हैं लेकिन इशू कहाँ आता है कि सीखें कैसे। कोई रेस्टोरेंट हमें सिखाएगा नहीं, घर पर हमें सीखने के लिए गाजर गोभी बाकी सब्जियां या फिर पनीर इस तरह के मसाले हमें बनाने पड़ेंगे और उनको उसके अंदर फिलिंग करना पड़ेगा, तब हमें उन्हें शेप दे सकते हैं। लेकिन आप आज मैं आपको मोमोज की शेप बनाना सिखा रहा हूँ और बहुत ही आसान तरीके से। आपको इसके लिए किसी भी तरह की कोई भी वेजिटेबल की या पनीर की फिलिंग नहीं चाहिए। कैसे आप ये मेरे सामने कुछ मोमोज की शेप्स हैं, मैं आप देख सकते हो यहाँ मैंने मोमोज हैं मेरे पास। अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो इनमें आप देख सकते हो कुछ भी नहीं है, इनके अंदर भी मैदा ही भरा हुआ है। तो ये शेप से आप बहुत आसानी से प्रैक्टिस कर लें मोमोज बनाना सीख सकते हो। तो कैसे, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हमें जरूरत पड़ने वाली है एक बेलन की, और साथ ही हम ले लेंगे कुछ आटे की ये जो लोइयां हैं जो हमने रखी हुई हैं तोड़ के। आप इसका साइज़ देख सकते हो, इतने बड़े साइज़ में आपको ये लोइयां तोड़ लेनी है। अब करना क्या है आपको, आपको लोई बेलनी है। जितना बड़ा आपको मोमोज बनाना है उतनी बड़ी आपको लोइयां बेल लेनी है। ये हमने पांच लोई बेल ली हैं। तो आपको क्या करना है, इसके फिलिंग, अब इसमें जो फिलिंग भरनी है हमें वो कैसे करेंगे। फिलिंग का काम करेगी हमारी ये दूसरी जो बची हुई लोइयां हैं, ये आपने में से दो लोई ऐसे लगाई है और इसे मोमोज की शेप आप इनको देना शुरू कीजिए। ये इसमें एक लोई कम पड़ गई थी, खराब हो गया है। तो आप देख सकते हो कि यहां पर
हमने मोमोज की शेप्स ये बना ली हैं और इसमें हमने किसी भी तरह का कोई भी मसाला यूज़ नहीं किया है कि हमने गोभी का वेजिटेबल्स बाकी और किसी वेजिटेबल्स का या पनीर का मसाला है चिकन का मटन का हमने किसी का मसाला यूज़ नहीं किया है। हमने सिर्फ उन लोई के साथ ही ये जो शेप्स हैं वो बनाई हैं। आप इस तरह से प्रैक्टिस करके आप इजीली घर पर ज़्यादा वेस्टेज ना करते हुए बड़ी ही आसानी से ये शेप बनाना आप सीख सकते हो। मुझे अभी ये एक ही शेप आती है इसलिए मैंने आपको एक बताई। अगर आप और भी सीखना चाहते हो तो YouTube पर आपको इससे रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे, वहाँ पर से देख कर भी आप बाकी शेप्स सीख सकते हो। लेकिन आपको ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये कहूँगा आपको, क्योंकि आप इसी तरह के एक ही शेप में मोमोज आप बेच सकते हैं। दोस्तों आपने देखा कि मैंने किस तरह से बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया जिसमें आपको ज़्यादा कुछ खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, बड़ी आसानी से आप मोमोज की शेप बनाना सीख सकते हो इस तरह से। सबसे बड़ी बात यह है कि आप इनको बार बार दोबारा से मोमोज को जब तोड़ो लोई बनाओ फिर दोबारा से और फिर दोबारा बेल के फिर स्टार्ट हो जाओ, यानी कि आपको किसी भी तरह का पनीर खरीदने की जरूरत नहीं है, किसी तरह कोई मसाला खरीदने की जरूरत नहीं जब तक कि आप शेप बनाना ना सीख जाएं, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है मोमोज का। मसाले डालना, मसाले डाल के फिलिंग को किस तरह से बनाया जाता है वो बहुत ईजी है, लेकिन सबसे जो डिफ़िकल्ट पार्ट होता है वो होता है कि आप मोमोज को शेप किस तरह से दोगे। ये मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और साथ ही प्रेस कर दें बेल आइकॉन को, इससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।